गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राष्ट्रीय लॉ इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर मैं जयपुर से एडवोकेट पंकज जोशी आपका फिर एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए आज का जो हमारा टॉपिक है किस्सा केस का, उसमें हम एक और लैंडमार्क डिसीजन को डिस्कस करते हैं जिसका नाम है आर वर्सेज रिचर्डसन। ये केस भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन जो है आपका 7 और 8 पे प्रकाश डालता है। सेक्शन 7 और 8 को कवर करता है। ये सेक्शन आपको बताएगा अकेजन क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, कॉज क्या है, इफेक्ट क्या है, स्टेट ऑफ थिंग्स को कैसे कवर करेगा, मोटिव क्या है, प्रिपरेशन क्या है। ये एक लैंडमार्क डिसीजन है जो सारे फैक्ट्स पर प्रकाश डालेगा। सेक्शन 7 और 8 को कवर करता हुआ जा रहा है ये आज का टॉपिक। बहुत फाइंडिंग, बहुत बर्निंग, बहुत वॉल्केनिक इशू है। सबसे पहले इस केस के फैक्ट देखिए, इसकी कहानी सुनिए। इसमें एक लड़की होती है जो मेंटल रूप से विक्षिप्त होती है, मेंटल रूप से रिटार्ड होती है, यानी जिसे कहते हैं मेंटल रूप से रिटार्ड होती है, वो लड़की समझने की योग्य नहीं होती। यहाँ पर रिचर्डसन नाम का एक व्यक्ति होता है जो किसी फैक्ट्री में काम किया करता था। लड़की के माँ बाप थे जो कहीं पर जॉब किया करते थे, वो घर पर लड़की को अकेला छोड़कर चले जाया करते थे। जब लड़की घर पर अकेली होती तब वो रिचर्डसन आता और उसके साथ अगेन एंड अगेन रेप का जो क्राइम है वो कमिट करने की कोशिश करता कमिट करता था वो रेप कमिट करता था क्योंकि लड़की रूप से मेंटली रूप से रिटार्ड थी। इसलिए अपने माँ बाप को कुछ नहीं समझा सकती थी, कुछ नहीं बता सकती थी कि उसके साथ क्या चल रहा था। इसी दौरान, इसी रेप के इफेक्ट के दौरान, इसी रेप के परिणाम के दौरान वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। लेकिन इस कहानी से बचने के लिए कि वो प्रेग्नेंट हो गई, अब जो रिचर्डसन को डर पैदा होता है कि वो किसी कानून के शिकंजे में फंस जाएगा। यदि वो रेप चार्ज में फंसा तो वो किसी बड़े अपराध में फंस जाएगा और उसको जेल जाना पड़ेगा। और जो रेप की बात है, उसकी प्रेगनेंस की बात है, वो ज़्यादा लंबे समय तक छिपी नहीं रह सकती। इसके लिए रिचर्डसन के दिमाग में एक प्लान पैदा होता है। वो लड़की को मर्डर करना चाहता है, वो लड़की को मारना चाहता है। इस लड़की को मारने के लिए वो उपयुक्त मौके, अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहता है कि कब लड़की को मारा जाए। लड़की मानसिक रूप से विक्षिप्त होती है, वो किसी को कुछ बता नहीं सकती है। प्रेगनेंसी का पता रिचर्डसन को होता है और किसी को पता नहीं होता। लड़की के माँ बाप जनरली घर पे रहते नहीं थे, इसलिए जो है कानी कुलने का राज यहाँ पर जो था केवल रिचर्डसन को पता था। यहाँ पर जो था सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह आती है कि यहाँ पर जब रिचर्डसन को इसका मर्डर करना था, ये सबसे पहले प्रिपरेशन करता है। प्रिपरेशन क्या आती है, कुल्हाड़ी से इसकी हत्या करता है और इसको कुल्हाड़ी से मार देता है। ये इसकी प्रिपरेशन थी, ये इसकी तैयारी थी, कुल्हाड़ी की धार तेज करना, प्रिपरेशन में कवर करना। मोटिव क्या था रिचर्डसन का, मोटिव था अपने आप को जेल से बचाना, बदनामी से बचाना, इसका मोटिव था। इस केस में कॉज क्या था, लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, ये उसका कॉज था। अकेजन क्या था, लड़की घर पे अकेली रहती है, काम करने का, क्राइम करने का पूरा मौका था, ये उसका अकेजन था। अपॉर्चुनिटी क्या थी, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी थी, यहाँ पर जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, उसको वहाँ से छुट्टी मिल जाती है जहाँ पर ये काम करता था, आधे घंटे के लिए छुट्टी मिल जाती है तो उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। इस प्रकार भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सारे जो आपके पॉइंट है, फैक्टर है, वर्ड यहाँ पर क्लियर होते जा रहे हैं। तो देखिए क्या कहता है, कहानी आगे बढ़ती है और रिचर्डसन इस लड़की को अकेला पाकर उसकी कुल्हाड़ी से बेरहमी से हत्या कर देता है। लड़की मर जाती है, उसका मर्डर हो जाता है, उसकी हत्या हो जाती है। अब जिस दिन ये हत्या करता है उस दिन वहाँ पे भारी बारिश हो रही थी और रिचर्डसन ने एक विशेष प्रकार के जूते पहन रखे थे। उस जूतों पर विशेष प्रकार की कीलें थी जो बहुत कम लोग होते, स्पेसिफिक टाइप के जूते। तो जब उसका मर्डर किया जाता है और बारिश हो रही होती तो इस सारे कारणों के कारण उस मिट्टी पर जूतों की छाप आ जाती है, जूतों का इम्प्रेशन आ जाता है। ये था क्राइम का इफेक्ट। ये बात बिल्कुल तय है कि कोई भी क्राइम होने के लिए इफेक्ट का होना ज़रूरी है। यदि किसी भी क्राइम को किया गया और उसका इफेक्ट ही नहीं हुआ तो क्राइम जो है कमिट कैसे होगा। तो यहाँ पर जब उसने क्राइम किया और वहाँ पर आया तो उसका इफेक्ट आया, उसके जूतों के निशान। लड़की का फ्यूनरल किया जाता है, फ्यूनरल में उसके पूरे गाँव के लोग वहाँ पर आते हैं, रिचर्डसन भी वहाँ पर मौजूद होता है। पुलिस वाले वहाँ पर हर आदमी के जूतों का निशान लेते हैं। रिचर्ड्स के जूते और वहाँ पर जो इम्प्रेशन थे वो हूबहू मैच कर जाते हैं और पुलिस इस आधार पर उसको अरेस्ट कर लेती है। क्योंकि यहाँ पर जो क्राइम में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ था वो था इफेक्ट।
यहाँ पर उसके जूतों के निशान यहाँ पर इफेक्ट करते, तो यही कहानी है थी। इफेक्ट क्या है, कहीं पर भी कुछ भी क्राइम होगा तो नेचुरल है उस क्राइम का उसका इफेक्ट जरूर आएगा। किसी भी इंसान को यदि जहर दिया जाता है, जहर के इफेक्ट आएंगे, उसका जो बॉडी है नीला हो जाएगा, मुंह से झाग आएंगे, या जहर जो भी करेगा उसका रिएक्शन जरूर होगा, वो रिएक्शन आपका इफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बात बिल्कुल तय है। किसी का मर्डर होगा, खून फैलेगा, इधर उधर का सामान फैलेगा, हाथापाई होगी, तो उसका इफेक्ट जरूर आएगा। तो क्राइम का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो इफेक्ट, इफेक्ट के बिना कोई क्राइम संभव ही नहीं है। यदि किसी को जहर दिया जाए और बॉडी पर कोई प्रकार का इफेक्ट ना आए तो नेचुरल है, क्राइम को कमिट कैसे होगा। इफेक्ट सबसे कंसिडर चीज है यहाँ पर। अकेजन वो है जो किसी भी अपराध करने का अवसर प्रदान करता है। अकेजन, ये लड़की के साथ माँ बाप होते तो अकेजन पैदा ही नहीं होता। इस लड़की के माँ बाप यहाँ पर हैं तो अकेजन है। कोई इंसान एटीएम से पैसा निकलवा रहा है तो पैसा निकलवाएगा तो अकेजन पैदा होगा ना, वो पैसा ही नहीं निकलवाएगा, एटीएम में राउंड लगा कर आ जाएगा तो अपराध कहाँ से होगा। वो पैसा निकलवाएगा, उसका अकेजन पैदा होगा कि कोई उसे लूटे, अकेजन है। हो सकता है किसी व्यक्ति को उचित अपॉर्चुनिटी मिले, वो इंसान किसी सुनसान रास्ते से जा रहा है, किसी को अपॉर्चुनिटी मिल गई, वो लूटपाट कर सकता है, बाकी लोग नहीं करेंगे, किसी को अपॉर्चुनिटी मिली, यहाँ सभी अकेला है, वो अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएगा, छीना झपटी होगी, मारा पीटी होगी, खून निकलेगा, कुछ ना कुछ होगा, इफेक्ट आएगा। वो राजी से उससे पैसे मांगेगा तब ठीक है, वो राजी से पैसे दे देगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन वो इंसान पैसे नहीं देगा तो नेचुरल इमिडिएटली एक एक्शन पैदा होगा, वो एक्शन कॉज में कन्वर्ट हो जाएगा। दोनों की जो भी मना करेगा, एक कोज पैदा होगा इमीडिएट, हो सकता है उस कोज के कारण उसका मोटिव था पैसा लूटना। देखिए मोटिव और कोज में डिफरेंस करना है आपको। उसका मोटिव था पैसे को लूटना, लेकिन यहाँ पर यदि वो व्यक्ति मना राजी राजी पैसे दे देगा तो ठीक है, खत्म हो गई कहानी, लूट गया। के माध्यम से